अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रदर्स एयर कंडीशनिंग के स्टॉल पे बिलाल साहब हमारे साथ हैं। बिलाल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। यहाँ HVACR एग्जीबिशन में क्या क्या चीज़ें एग्जिबिट कर रहे हैं आप लोग? बेसिकली हम जो है यूरोप से यूज इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। यूज इक्विपमेंट हमारे जैसे ये मौजूद हैं, चिलर्स मेनली हम इम्पोर्ट करते हैं। बाकी ओवरऑल ब्रदर्स एयर कंडीशनिंग जो है वो तमाम HVACR फील्ड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट्स, बाकी MEP कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रबल शूटिंग, कंट्रोलिंग, ये तमाम सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। यूज पार्ट्स के अंदर ये बड़ा मसला आता है ना कि अगर कोई चीज़ इक्विपमेंट ख़राब हो जाती है तो फिर उसकी आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से क्या करते हैं? तो हमारा बेसिक जो डोमेन है वो सर्विस इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है, हम सर्विस प्रोवाइडर ही हैं मेजरली ना। यूज इक्विपमेंट जो है वो एज़ पर जैसे कि मार्केट प्राइसिंग मैच करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट मैच करना। इक्विपमेंट जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो यूरोप से यूज इक्विपमेंट इम्पोर्ट करते हैं, चाइना से या फार ईस्ट से या दुबई से नहीं हम इम्पोर्ट करते हैं। हमारी यूरोपियन मशीन्स होती हैं और वो भी मेड इन मैक्सिको अमेरिका ही होती हैं बेसिकली। जैसे यॉर्क है, बड़ा ब्रांड है हमारा, तो उसमें ये जैसे मशीन है ये अमेरिकन मेड है। इसी तरीके से ये कैरियर है ये फ्रांस मेड है, तो हम यूरोप से ही इम्पोर्ट करते हैं। तो उसकी क्वालिटी, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसकी मेटलर्जी बहुत अच्छी होती है, तो उसमें ऐसे इश्यूज़ नहीं आते। हमने बहुत जगह पे सप्लाई भी किए हैं और बहुत सारे इसके अलावा ट्रेंड की प्रोजेक्ट भी किए हैं बेस्ड ऑन यूज्ड इक्विपमेंट। प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हैं उसमें मेजरली प्रोसेस कंट्रोल्स के और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ऐसे कोई कंप्लेंट या इशूज़ होते नहीं हैं। ठीक है, एक चीज़ है मैम, मशीन है, रनिंग के दौरान ऑपरेशनल इशूज़ क्रिएट होते हैं, तो उसके अल्टरनेटिवली भी फिर हमारे पास एक्सपर्ट टीम्स अवेलेबल होती हैं सर्विस के लिए, स्पेयर पार्ट्स रेडी स्टॉक अवेलेबल होते हैं, तो सर्विसेज भी हम ऑन टाइम विद इन मीन टाइम टू रिपेयर हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर। इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है, सप्लाई चेन का इशू हुआ हुआ है, उसमें कैसे टैकल करनी है चीज़ों को? सप्लाई चेन के जो इशूज़ हैं वो टाइमली मैनेज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इशूज़ ज़्यादा हाईलाइट ज़्यादा किए जाते हैं, बात ये इशूज़ हैं बिल्कुल हैं, लेकिन जैसे ये हमारे पास स्टॉक हैं तो हमें इन्हीं से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने की और उनको बेहतर ऑप्शन प्रपोज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। HVACR एग्जीबिशन इज वंडरफुल। HVACR एग्जीबिशन इज एक्सीलेंट। HVACR एग्जीबिशन इज वंडरफुल। HVACR एक्सपो इज वंडरफुल। HVACR एग्जीबिशन इज एक्सीलेंट।